हेलो एवरीवन, हियर इज द पार्ट 6 ऑफ द चैप्टर पॉलीनोमियल्स। एवरीवन, आज हम अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ 8 आइडेंटिटीज हैं, आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज सॉल्व द फॉलोइंग। हमने सारे क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटीज लगानी है। फर्स्ट इज एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 4 लगेगी, दैट इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ए हो गया हमारा 4 और बी हो गया 10, तो इनकी इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4x प्लस ए बी, दैट इज 10 इंटू 4। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है x प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो x जो है, ये हो गया हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x की जगह पे x ही रहेगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पे आ गया 3 प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द 6x प्लस 3 स्क्वायर हो गया 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन, 105 मल्टीप्लाई 106। हमें इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना होता, इसमें आइडेंटिटी लगानी होती है। 105 को हम 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, देन मल्टीप्लाई 106 को 100 प्लस 6। अभी हमारी आइडेंटिटी नंबर 4 लग गई, यानी कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 100 स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 5 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। 100 स्क्वायर हो गया ये आपका 10,000 प्लस 6 प्लस 5 11 इंटू 100 दैट इज 1100 एंड 6 इंटू 5 इज 30। इन सबको ऐड करा, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 25 बाय 4 एक्स स्क्वायर। तो 25 को 5, 4 का 2 और x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर इज 25, 2 का स्क्वायर इज 4 और x का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। सेम हेयर y अपॉन 3 का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर इज वाई स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो गया 9। अभी हमारी आइडेंटिटी लग रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हो गया फाइनल आंसर। फैक्टराइज करने को आए तो भी हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, 3a प्लस 4b प्लस 5 होल स्क्वायर। अब इसमें हमारे x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ पे जो हमारा x है वो है 3a, y इज 4b एंड z इज 5c। x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की एंड z की जगह z की। तो इनकी 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर ये कुछ ऐसे बनेगा, x स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर, y 4b स्क्वायर प्लस जेड 5c स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इज 3a, वाई इज 4b प्लस 2 इंटू वाई जेड 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू जेड एक्स, जेड इज 5c एंड एक्स इज 3a। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 4 2 24 ab, सेम हेयर 40 bc प्लस 30 ac। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन,
104 होल क्यूब, अब इसका क्यूब नहीं निकालना, हमें इसे आइडेंटिटी ही लगानी है। तो 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं होल क्यूब, तो ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 6 बन गई, x प्लस वाई का होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 100 प्लस 4 क्यूब इज इक्वल टू x इज माई 100, 100 क्यूब, y इज 4, 4 क्यूब, 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 124800। सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये, दिस इज योर फाइनल आंसर। सेवन क्वेश्चन, 999 होल क्यूब, इसको हम 1000 माइनस 1 होल क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 7 यानी कि x माइनस वाई होल क्यूब बन गई, दैट इज x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 1000 माइनस 1 होल क्यूब, x जो है वो 1000 है, सो इट मीन्स 1000 क्यूब माइनस y इज 1, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 1, then another bracket, that is x minus y is 1000 minus 1. अब इसको सॉल्व करेंगे वन का क्यूब वन ही रहता है, इसको सॉल्व कर कर आएगा ये 5th आंसर हो गया। आंसर को देखे घबराना नहीं है कि इतना बड़ा वैल्यू है तो हमारे गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है, वैल्यू कुछ भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। 8x क्यूब को हम 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस y का होल क्यूब, देन 3z होल क्यूब, देन माइनस 3xyz फॉर्म में, 3x इज 2x, y इज y एंड z इज 3z। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर 8, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यह आइडेंटिटी नंबर 8 है, इसको हमने इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब इसी क्वेश्चन को इसमें लिखना है, तो यानी कि x हमारा क्या हो गया 2x प्लस y इज y, z इज 3z, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, y स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज 3z स्क्वायर माइनस xy मींस 2x इंटू y माइनस yz, y इंटू 3z माइनस zx, z is 3z into 2x is 2x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2x प्लस y प्लस 3z, इसको सॉल्व करा ये आ गया 4x square प्लस y square प्लस 9z square माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा चैप्टर पॉलीनोमियल्स खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।